भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भाजपा मुख्यालय, दिल्ली स्थित दीनदयाल मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्पगुच्छ देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। भाजपा जिंदाबाद, अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। अभिवादन स्वीकार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबका अभिवादन का स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। पूरे देश के कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन का स्वीकार कर रहे हैं। स्वागत है। आज जनता के धन्यवाद सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, गारंटी है भाई, गारंटी 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 है। स्वागत है भाई, स्वागत है। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, गारंटी है भाई, गारंटी है, 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 गारंटी है भाई, गारंटी है। आज जनता के इस धन्यवाद सभा में दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मंच पे हम स्वागत करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर मंच पे आए हैं। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की ओर से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पमाला पहनकर स्वागत करेंगे। गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वो अपना स्वागत पर भाषण दिया करें। आदरणीय नड्डा जी, सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के
इस आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब चार विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं, और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front, और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, यह जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, ये सब, ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी
है वो मोदी जी की गारंटी है। और यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो मोदी जी है तो ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज ये इंडिया अलायंस, इनको नया नया शौक, नया नया जोश, नया नया नारा ओबीसी 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 की चिंता नहीं हुई। ये नए नए लोग, ये इंडिया अलायंस के लोग, ये कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी का नारा लगाते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबके समाज का, सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, जिसको सार्वजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है, ऐसी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर की, क्या उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब ओबीसी को गाली देना है, पिछड़ी जाति को गाली देना है, ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या? और एक और नेता पैदा हुए, मैं ना माफी मांगू, यानी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और ये चुनाव के नतीजे, ऐसे बल, ऐसे नेताओं का बल एक बार नहीं, अनेकों बार बल खत्म करते हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में, क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए, मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता, लेकिन यहां पर इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता ही परमेश्वर होता है, वही फैसला करता है, वही आशीर्वाद देता है, और कोटि कोटि उनको धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दे करके ये सफलता दिलाई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष और आपसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को भी
मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ा और यशस्वी हुए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे से अक्सर पत्रकार पूछते थे रणनीति क्या है, रणनीति क्या है। मैं बार बार बोलता था रणनीति पर्दे का विषय होता है और रणनीति समय पर ही खुलती है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इस रणनीति को जो बारीकियां संगठन ने बताई थी उनको बखूबी धरती पर उतारा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात जमीन पर जाकर मेहनत की और जो वातावरण बना उस वातावरण को वोट में बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके पार्टी के लिए बूथ पर जा करके काम करके इस योजना को आगे बढ़ाया, सफल किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं आप क्या, आपके साथ साथ मैं भी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हूं, इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें और हमारे को आगे का रास्ता बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की आवाज तेलंगाना तक पहुंचनी चाहिए, भारत माता की आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है।
सभी मतदाताओं को आदर पूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है। विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आज भी मेरे मन में यही भाव है। मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के सामने, मैं अपने युवा साथियों के सामने, मैं अपने किसान भाई बहनों के सामने, मैं अपने गरीब परिवारों के सामने, उन्होंने जो निर्णय, जो बढ़ चढ़कर के समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोडमैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में
हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, चुनाव नतीजों ने
एक और बात स्पष्ट की है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। देश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितैषी होती है, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है। साथियों, आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। इनकी जनसंख्या आज 10 करोड़ के आसपास है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांक्षी है और उन्हें भरोसा है कि इस आकांक्षा को सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है। मेरे परिवारजनों, मैं आज हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जिस प्रकार अपनी नीति रणनीति को अमल में लाए, ये विजय उसका भी परिणाम है। और चुनाव के दरमियान उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिन रात डटे रहे
साथियों, राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था। और आज हम नतीजे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। दो दशक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो मैं, जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना अभिवृद्धि कोसम एल्ला पुडु पनी चिंतुने उठुंदी। तेलंगाना तो माको चाला मंची अनुबंधम उंडी। मेरे परिवारजनों, इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गुंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। भरोसा ये कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है।
आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है। साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने यह भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन तीन बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये गमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं, जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं, जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं, जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं, जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं, जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो,
ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रता पूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। साथियों, आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है, आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है, दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या उच्चतम स्तर पर है, होम लोन में भी उस सेक्टर में भी बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। साथियों, आज भारत का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप देखिए, चारों तरफ एक्सप्रेसवे का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जाल बिछ रहा है। भारतीय रेल आज अपने ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। आज देश में नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेनें आ रही हैं, गति नहीं है, संकल्प नए है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं, और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है, वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। साथियों, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अग्रणी देश में पहुंच चुका है। आज भारत में गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है। आज देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। हर गरीब को मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। भाजपा सरकार में 4 करोड़ गरीब परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के
संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घर घर नल से जल ये अभियान तेज गति से चल रहा है। आज देश में रिकॉर्ड गति से नए अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ रही है। साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं, अब इससे पीछे नहीं हटना है। और पीछे हटना ये मोदी को तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत के लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। मैं देश के प्रत्येक युवा को आह्वान करता हूं, वो विकसित भारत का एम्बेसडर बने, वो विकसित भारत के संकल्पों का नेतृत्व करें। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो विकसित भारत, जिसका समर्पण हो विकसित भारत। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे। इन चुनावों में मैंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें यह ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें यह शक्ति बढ़ाते रहना है। हम 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है।
हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है हमें उनके पास पहुंचना है, जिन्हें संदेह है हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे, हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। साथियों, उत्साह और उमंग के इस वातावरण के बीच मेरी आदत छूटती नहीं है, तो मैं फिर से वो तो करता ही रहता हूं कि मैं क्या मूलतः संगठन से निकला हूं तो स्वभाव मेरा जाता नहीं। मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था ज्यादा समय नहीं दे पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वहाँ साइक्लोन की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जरा तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है, और इसलिए विजय के महोत्सव में भी मैं तो यही कार्यकर्ताओं से कहूँगा, हमें साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है, उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा और खास तौर से आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना, प्रशासन को पूरा साथ देना, और यही एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार होते हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है, हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। साथियों, सबके प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। मुझे देश की अमृत पीढ़ी पर भरोसा है। हमारा लक्ष्य एक है, साधना एक है, सपना एक है, भारत विकसित होकर रहेगा, इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। जो भी विजयी हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिलकर के देश के सामान्य मानवीय आशा अपेक्षाओं को पूरा कर पाए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से मैदान में जो लोग मेहनत कर रहे थे उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी स्थित मुख्यालय की, दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर